हेलो फ्रेंड्स, आई एम धर्मेंद्र एंड आप देख रहे चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है क्या कि बीएसएफ एसआई जेई वैक्स का दोस्तों आपका फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका है। सालों की प्रोसेस के बाद दोस्तों आखिरकार बीएसएफ की तरफ से आप लोगों का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। किन किन कैंडिडेट के नाम आए हैं दोस्तों, चलिए चलते हैं ऑफिशियल साइट पर और देखते हैं कट ऑफ और किन किन का सिलेक्शन हो गया है। लेकिन डेफेंस, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो के बाजू में आपको दिख रहा होगा बेल आइकन, उसको भी प्रेस कर दें दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और हाँ जी फ्रेंड्स, वीडियो आ रही हो पसंद तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो डेफेंस, आपको बता दें हम आ गए हैं बीएसएफ की ऑफिशियल साइट पर। इस पर आप देख सकते हैं रिजल्ट, रिजल्ट वाले सेक्शन पर जैसे आप थोड़े नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा फाइनल रिजल्ट फॉर रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ एसआई बक्स एंड जेईएसआई इलेक्ट्रिकल इन बीएसएफ इंजीनियरिंग सी, यहाँ पर सेट नंबर दिया है दोस्तों। आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपको यहाँ पर देखिएगा क्या पीडीएफ जिसमें आप लोगों के नाम दिए हैं जिन जिनका सिलेक्शन हुआ है। फाइनल रिजल्ट फॉर द पोस्ट ऑफ एसआई वर्क्स एंड जेई एसआई इलेक्ट्रिकल इन बीएसएफ इंजीनियरिंग सेटअप 2018। तो दोस्तों आप थोड़ी आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपकी फेज के बारे में बताया गया है कि कब कब आपके कौन कौन से एग्जाम हुए थे। फेज वन था आपका रिटर्न एग्जामिनेशन, यहाँ पर फेज सेकंड था आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बीएसटी एंड पीटी, फेज थर्ड था आपका पर्टिकुलर टेस्ट मेडिकल एग्जामिनेशन, फेज आपका फोर्थ था क्या रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन। तो दोस्तों ये सारी चीजों से आप लोगों को गुजरना पड़ा है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या आप लोगों के किस किस के सिलेक्शन हुए हैं। एसआई बॉक्स के लिए दोस्तों यहाँ पर कैंडिडेट टोटल है कितने 70 कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। कैंडिडेट सिलेक्टेड अगेंस्ट वैकेंसी ऑफ अनरिजर्वेड कैटेगरी, दोस्तों यूआर से 70 लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। सबसे पहले सब लोगों के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, ढेर सारी बधाइयां जिनका सिलेक्शन हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को कैंडिडेट के नाम और रोल नंबर शो हो रहे होंगे क्या है। अनिल कुमार, कुलदीप, आलोक कुमार, अश्विनी शर्मा, नीरज कुमार, अमित कुमार, मनीश्वर राणा और यहाँ पे मुकेश, नवनीत कुमार शुक्ला, यहाँ पर संदीप है, रजत ठाकुर हैं, हरिकेश मीना है, अरुण कुमार है, विक्की, कुलदीप मीना है, ज्योति कोनियाल है। दोस्तों तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके यहाँ पर नाम आ चुके हैं। सबके लिए बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से और हमारे फ्रेंड्स की तरफ से। और दोस्तों जैसे हम थोड़े और आगे बढ़ेंगे आप लोग देख लेना आपका नाम, हालांकि यहाँ पर जो रिजल्ट देखता है उसके अंदर बहुत धुक धुक लगी रहती है। तो दोस्तों आप सेकंड नंबर पे देखेंगे क्या कैंडिडेट सिलेक्टेड अगेंस्ट वैकेंसी ऑफ ओबीसी टोटल 23, ओनली 23 यहाँ पर कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं ओबीसी से। तो यहाँ पर आपको नाम देख रहे हैं और रोल नंबर देख रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम थोड़े और आगे बढ़ते हैं तो क्या है, अब हम देखते हैं एससी से। एससी से टोटल कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं दोस्तों 11, यहाँ पर नाम और आपको रोल नंबर बाकायदा दिख रहे हैं। अंकित कुमार सिंह है, अंकु दास है, माला अशोक है, यहाँ पे राजनू कुमार है, यहाँ पर फिर आप देख सकते हैं सबके नाम दिए हैं। और नेक्स्ट आता है दोस्तों चौथे नंबर पर क्या एसटी, एसटी से किन किन का सिलेक्शन हुआ है। टोटल कैंडिडेट है यहाँ पर 3 जी दोस्तों, जो एससी कैटेगरी से सिलेक्ट हुए हैं यहाँ पे ज्ञान सिंह मीना है, जितेंद्र कुमार मीना है और ऋषि कुमार मीना है, तीनों मीना 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 है। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट आता है जेईएसआई इलेक्ट्रिकल। तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल से पहले नंबर तो बात आती है किसकी, अनरिजर्वेड यूआर की। तो दोस्तों यहाँ पर 27 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं यूआर से, यहाँ पर सबके राहुल कुमार, राधा कृष्णा अलग अलग नाम दिए हैं आप लोग देख सकते हैं। अब 27 कैंडिडेट के नाम हम नहीं गिन पाएंगे क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। प्रियांशु कुमार है, अजय राम यादव है, रवि नायल है, रंजीव कुमार है, पवन कुमार है, रितेश कुमार सिंह है, सोनू कुमार है। दोस्तों आप लोग देख लेना किस किस का सिलेक्शन हुआ है, आप लोग आराम से देख लेना। मैं इसकी लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आप ऑफिशियल साइट पर विजिट करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। अगला नंबर आता है किसका, ओबीसी का। कैटेगरी टोटल 6 यहाँ पर कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं जिसमें सचिन कुमार है, आशीष कुमार है, उमेद योगी है, प्रिंस कुमार गुप्ता है,
मयंक यादव हैं और प्रीति कुमारी, इन 6 लोगों का सिलेक्शन हुआ है ओबीसी से। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और कौन कौन का नाम है। तो डिफेंस नेक्स्ट आता है अगली कैटेगरी जो कि है आपकी एससी। एससी से टोटल क्लेक्ट सिलेक्ट कैंडिडेट हैं कितने, 5। और यहाँ पर रोल नंबर दिख रहे हैं और नेम है उन कैंडिडेट के, अमित कुमार है, हेमंत कुमार है और आपका दिनेश चांद है और अजय राठौर है, मैथुन कुमार है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट क्या है, एस टी कैटेगरी। तो दोस्तों यहाँ पर 2 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं एस टी से, क्या, महेंद्र सिंह मीना और अभिषेक मीना। तो दोस्तों 2 कैंडिडेट जे हो गए। अब हम बढ़ते हैं थोड़े और आगे। तो दोस्तों आप इसको पढ़ लेना, इस डिटेल्स को मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। यहाँ पे ASI बक्स कट ऑफ दिया है और जे का कट ऑफ दिया है, क्या है देखिए। यहाँ पर अनरिजर्व EOR का कट ऑफ गया है 133 मार्क्स, OBC कैटेगरी का गया है 129 मार्क्स, SC का गया है 122 मार्क्स और ST का गया है 126 नंबर पे। और इसके बाद आता है बी, JSI का गया है इलेक्ट्रिकल कितना, UR का गया है 147, OBC का गया है 145, SC का गया है 134 और ST का गया है 136। तो दोस्तों ये तो था वो कट ऑफ जो मैंने आपको बता दिया। और जिन जिन कैंडिडेट के नाम आए हैं उन सभी के लिए बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो ओके, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।